بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ بڑی قدرت والے ہیں اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں ہر ایمان والے کا اس پر ایمان ہے اور جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ ایمان والا نہیں لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور انہی اسباب کے پردے میں اللہ اپنی قدرت اور اپنے ارادے کو ظاہر فرماتے ہیں یہ اسباب کچھ نہیں ہیں ان اسباب کے اندر خود کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ چاہتے ہیں تو یہ اسباب اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتے تو یہ اسباب اپنا کام نہیں کرتے ہمارا اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بارش برسانا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں بدلیاں اٹھتی ہیں بادل گرجتے ہیں بجلیاں چمکتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے حالانکہ اللہ اس پر قادر ہیں کہ بغیر بادل کے بغیر ہواؤں کے بارش برسا دیں لیکن عموماً اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں کہ بارش برسانا ہوتا ہے تو یہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا ہے اللہ ہی چاہتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتے تو یہ کام نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بدلیاں اٹھتی ہیں کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں بجلیاں بھی چمکتی ہیں بادل بھی گرجتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب بارش ہوئی تب بارش ہوئی لیکن پھر وہ بدلیاں چھٹ جاتی ہیں وہ بادل کسی اور رخ پر چلے جاتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی
तो जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह ने ये चाहा कि दुश्मनों के लाख चाहने के बावजूद, तदबीरें करने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद, अल्लाह ने ये चाहा कि हमारे इस मुल्क में इस्लाम भी रहे, मुसलमान भी रहें, उनकी मस्जिदें भी रहें, उनके मदरसे भी रहें, उनकी खानकाहें भी रहें। तो अल्लाह ने उसके असबाब पैदा फरमा दिए और दुश्मनों के लाख चाहने के बावजूद ये चीज़ें मिट नहीं सकी और इनको मिटाया नहीं जा सका। हमारा मुल्क इस बारे में बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने दीन के एतबार से हमारे मुल्क को खुद कफील बनाया है। इल्म दीन के एतबार से हमारे मुल्क को खुद कफील बनाया है, दुनिया के किसी और मुल्क का मोहताज नहीं बनाया कि हमें कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, इसको सीखने के लिए बाहर जाना पड़े, कुरान को समझने के लिए बाहर जाना पड़े, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़े। इसी तरह तमाम उलूम इस्लामिया को सीखने के लिए बाहर जाना पड़े, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इस एतबार से हमारे मुल्क को इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत तो क्या पड़ती। वो वक्त भी आया कि बाहर के लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए हिंदुस्तान आने लगे, कुरान सीखने के लिए, कुरान समझने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, हदीस सीखने के लिए हिंदुस्तान आने लगे। इस तरह अल्लाह ताला ने इल्म दीन की नेमत से हमारे मुल्क को नवाजा है और अल्लाह ताला ने उसके लिए सबब पैदा फरमा दिया और वो सबब ये मदरसे हैं, ये मकातिब हैं जिनमें कुरान को पढ़ाया जाता है, कुरान को सिखाया जाता है, इल्म दीन पढ़ाया जाता है। आप सोचिए, आप कुरान खोल करके उसकी तिलावत करते हैं, ये तिलावत करना आपने कहां सीखा, कुरान पढ़ना आपने कहां सीखा। ठीक है, आम आदमी कुरान समझता नहीं है, लेकिन कम से कम कुरान की तिलावत करता है। अभी रमज़ान आएगा तो आप देखेंगे मस्जिदें कुरान की तिलावत करने वालों से भरी रहती हैं। ये कुरान के अल्फाज को पढ़ना आपने कहाँ सीखा, किसने सिखाया। आप जिस भी ईमान वाले से पूछेंगे तो वो किसी न किसी मकतब का नाम लेगा, किसी न किसी पढ़ाने वाले का नाम लेगा। भाई, हमारे मोहल्ले में एक मकतब था, उसी मकतब में जाकर हमने कुरान पढ़ना सीखा।
हिंदुस्तान के किसी भी आलिम से आप पूछेंगे भाई आपने इल्म कहाँ हासिल किया, किसी भी मुहद्दिस से पूछेंगे कि भी आपको ये जो मकाम और मर्तबा मिला कहाँ से मिला, किसी भी मुफस्सिर से पूछेंगे कि आपको जो इल्म तफसीर मिला ये कहाँ से मिला, तो वो भी किसी न किसी मदरसे का नाम लेगा। मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने यहाँ पढ़ा। तो कुरान के अल्फाज को पहचानना हो या कुरान की तिलावत का सीखना हो या कुरान करीम को समझना हो, ये सब कुछ मिला है हमको इन मकातिब से और इन मदारिस से। अल्लाह ताला ने सबब के दर्जे में इल्म दीन को फैलाने के सबब के दर्जे में इन मकातिब को और इन मदारिस को कबूल किया है। और फिर यही नहीं, इन्हीं मदारिस से निकलने वाले लोगों ने हमारे इस मुल्क में बहुत सी दीनी तहरीकें चलाई, तंजीमें कायम की, जमीयतें कायम की, जमातें कायम की, सब इन्हीं मदारिस इस्लामिया से निकलने वाले लोग थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो इल्म की जो इल्म का जो भी चर्चा है और इल्म जिस भी शक्ल में है हमारे मुल्क में, वो इन मदरसों से है और इन मकातिब से है। इसलिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और याद रखो, अल्लाह ताला का अपनी नेमतों के बारे में ये जाब्ता है कि अल्लाह की नेमतों की कद्रदानी होती है तो अल्लाह उसमें इजाफा करते हैं, नेमतों की नाकदरी होती है तो अल्लाह ताला पकड़ फरमाते हैं, नेमतें छीन लेते हैं। और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है जब आती है। इसलिए मेरे भाइयों, नेमत का लफ्ज जब इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुराद सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है, सिर्फ माल और दौलत नहीं है। मसलन ईमान एक नेमत है। कुरान करीम हमारे लिए किताब हिदायत बनकर आया, ये अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये एक बड़ी नेमत है। इसी तरह इस मुल्क में इल्म दीन की नशर व इशाअत के लिए और हमारे इस्लामी शायर को महफूज बनाने के लिए और हमें सीधे और सच्चे दीन पर ठीक ठीक बाकी रहने के लिए जो इंतजामात फरमाए हैं, उसमें एक बड़ा इंतजाम ये मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की हम सब को कद्र करनी चाहिए। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जाना होता है और फिर मुल्क के गोशे गोशे से आए हुए उलमाए किराम से मुलाकात का मौका मिलता है। मुल्क के हालात क्या हैं दीनी एतबार से और
किस किस तरह के फितने पूरे मुल्क में पैदा हो रहे हैं, इन सब का तज़किरा होता है। और एक बात हर आदमी ये महसूस करता है और उलमा कहते हैं कि वो इलाके जहां मकातिब कायम हैं, जहां मदारिस कायम हैं, वो फितनों से किसी हद तक महफूज हैं, लेकिन मुल्क के वो इलाके जहां मकातिब नहीं हैं या जहां मदारिस नहीं हैं और जिसकी वजह से वहां उलमा नहीं हैं, वो इस वक्त पूरी तरह फितनों की जद में है। कादियानियत वहां अपने पैर फैला रही है, शकीलियत वहां तबाही मचा रही है, और कोई उनको संभालने वाला नहीं है, क्योंकि वहां मकतब नहीं है तो उन्होंने कलमा नहीं सीखा, उनको कलमा नहीं मालूम। वहां मकतब नहीं है तो वहां उन लोगों को यह नहीं सिखाया गया कि अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है, अकायद क्या हैं। बस उनको सिर्फ ये मालूम है कि हम मुसलमान हैं, बस इस्लाम क्या है, दीन क्या है, उनको मालूम नहीं है। इसलिए ऐसे इलाकों में ईसाइयत अपनी तबलीग कर रही है, कादियानी अपनी तबलीग कर रहे हैं, शकीलियत अपने बालों पर फैला रही है और आसानी से लोगों को शिकार बना रहे हैं। और जहां ये मकातिब हैं, जहां ये मदारिस हैं और लोगों ने इन मकतबों में और इन मदरसों में ईमान को सीखा है, अकीदे को सीखा है, उनको ये मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सिलसिले नबूवत खत्म हो चुका है, तो वहां कादियानियों की दाल आसानी से नहीं गलती। इससे अंदाजा होता है कि इस मुल्क में इन मकातिब इस्लामिया और मदारिस दीनिया का क्या रोल है और उम्मत मुस्लिमा को इन मकातिब ने और इन मदारिस ने क्या दिया है, दीन पर कायम रहने के लिए इनकी कितनी जरूरत है। इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि हमारे मुल्क में मदारिस का ये जो निज़ाम चल रहा है ना, पहले ये निज़ाम नहीं था, अंग्रेजों से पहले ये निज़ाम नहीं था, अंग्रेजों से पहले मदारिस थे और कसरत से थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे थे, 1000 मदरसे। लेकिन उनका निज़ाम क्या था, एक मालदार आदमी अकेले एक मदरसा चलाता था, एक नवाब अकेले कई मदरसे चलाते थे, अकेले वो खर्च देते थे, एक जागीरदार होता था, एक जमींदार होता था, वो अकेले एक या एक से ज़ायद मदरसे चलाता था, पूरा खर्च वही देता था। लेकिन जब अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज हुआ तो उसने नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, जागीरदारों से उनकी जागीरें छीन ली। तो अब ये नवाब और ये जागीरदार तो खुद पैसे पैसे के मोहताज हो गए, तो वो मदरसे जो इनके दिए हुए पैसे से चलते थे वो बंद होते चले गए, सब उजड़ गए।
اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نظام بنایا کہ اب اس ملک میں مدرسے عوام کے چندے سے چلائے جائیں گے، اور یہ وصول طے کیا کہ حکومت سے کوئی مالی مدد ان مدرسوں سے مدرسوں کے لیے نہیں لی جائے گی۔ تو عوامی چندے سے مدرسوں کو چلانے کا فیصلہ ہمارے ملک کے بزرگوں نے کیا، اور یہ کام یہاں سے شروع ہوا۔ دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں کہ عوامی چندے سے مدرسے چلتے ہوں اور مکاتب چلتے ہوں، یہ صرف بر صغیر میں ہے، بر صغیر کے علاوہ اور کہیں یہ نظام نہیں ہے کہ عوام کے چندے سے مدرسے چلتے ہوں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بصیرت آنے والے وقت میں جو حالات پیدا ہونے والے تھے ان کو دیکھ رہی تھی، وہ محسوس کر رہے تھے کہ آگے کیا حالات پیدا ہوں گے۔ اگر ان مدرسوں کا چلانا حکومتوں کی ذمہ داری میں دے دیا جاتا تو حکومتیں جس طرح چاہتی مدرسوں میں اپنی مرضی داخل کرتی، کسی امیر کسی نواب کی ذمہ داری ڈال دی جاتی، جب تک وہ رہتا مدرسہ چلتا پھر بند ہو جاتا، اور پھر عوام کو اس مدرسے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی بات ہے، آدمی جہاں خرچ کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اس لیے عوامی چندے سے ان مدرسوں کو چلانے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ وہ نظام اب تک پورے ملک میں چل رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مدرسے اس ملک میں ایک الہامی نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں بات کو ڈالنا، الہامی نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے اوپر سخت ترین حالات آئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس ملک میں نہ اسلام باقی رہے گا نہ مسلمان باقی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہاں اسلام بھی باقی رہے مسلمان بھی باقی رہیں اور اسلامی علوم کی نشر و اشاعت بھی ہوتی رہے تو مدرسے قائم کرو۔ اس وقت کے بزرگوں کے حالات جب پڑھے جاتے ہیں تو ہر ایک کے اندر یہی فکر ملتی ہے، ہر ایک یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے، مدرسہ قائم کیا جائے، مدرسہ قائم کیا جائے۔ اور بالآخر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ کہ یہ بزرگوں کے دلوں کی آواز تھی، ایک واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، پھر سناتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی ملاقات مکہ المکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت مولانا نے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رفیع الدین یہ کیا کہہ رہے ہو، دیوبند میں قائم ہونے والا مدرسہ تمہارا ہے، تم نے قائم کیا ہے؟ پیشانیاں رات رات بھر زمین پر ہم نے رگڑی ہیں، آنسو ہم نے بہائے ہیں، اور رو رو کر اللہ سے فریاد کی ہے کہ اے اللہ ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی سامان پیدا کر،
हमारा तो ख्याल ये था कि ये मदरसा या तो थाना भवन में कायम होगा या गंगोह में कायम होगा, लेकिन ये किसे मालूम था कि अल्लाह ताला ने ये सआदत देवबंद वालों के मुकद्दर में लिख दी थी। आज मदरसा देवबंद में कायम हो गया तो तुम कहते हो कि हमने कायम किया। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के बुज़ुर्गों के दिलों में क्या बात थी मदरसों के ताल्लुक से और मदरसों को कायम करने के ताल्लुक से। और फिर आप देख रहे हैं कि आज देवबंद का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप देवबंद नहीं गए हैं, देवबंद एक छोटा सा कस्बा है, यानी हिंदुस्तान में छोटे कस्बों की अगर फेहरिस्त बनाई जाए तो उन छोटे कस्बों की फेहरिस्त में बहुत नीचे नंबर आएगा देवबंद का। न कुशादा सड़कें हैं, हाल यह है कि एक रिक्शा जो पैरों से चलता है, एक रिक्शा सामने से आ जाए तो दूसरी रिक्शा मुखालिफ सिमत से बहुत मुश्किल से वो गुजरती है। तंग गलियां हैं। और जब हम लोग पढ़ते थे तो पूरे कस्बे में जो गटर है सब खुली गटर थी, छोटी बड़ी किसी गटर पर कोई स्लेप नहीं था, मक्खियां इतनी कि अल अमान अल हफीज। ऐसा मामूली कस्बा, लेकिन उस कस्बे को अल्लाह ने क्या शोहरत दी। आज देवबंद का नाम दुनिया में कहां नहीं जाना जाता। क्या वहां पाई जाने वाली कोई बड़ी फैक्ट्री है जिसकी बुनियाद पर देवबंद को लोग जानते हैं, या कोई वहां और बड़ा कारोबार है जिसकी बुनियाद पर लोग देवबंद को जानते हों? कुछ नहीं है। देवबंद को लोग जानते हैं दारुल उलूम की बरकत से, उस मदरसे की बरकत से, वरना देवबंद की कोई हैसियत नहीं। मामूली दर्जे का कस्बा है, लेकिन उस मदरसे से जुड़ने की वजह से उसका नाम पूरी दुनिया में है। ये अल्लाह की शान है, समझे। बल्कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मदरसे हैं, अगर काबिले ज़िक्र हैं तो उन मदरसों के साथ जो आबादियाँ जुड़ गई हैं, जो बस्तियाँ जुड़ गई हैं, लोग उन मदरसों को जानते हैं तो उनको भी जानते हैं। अगर मदरसा ना होता तो लोग नामो निशान भी ना जानते, उसका नाम भी ना जानते। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मदरसे इस मुल्क में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कद्र करनी चाहिए। कद्र नहीं की जाएगी तो नेमत की नाकदरी करने पर अल्लाह नेमत छीन लेते हैं और पकड़ फरमाते हैं, और कद्र की जाती है तो अल्लाह ताला अपनी नेमत में इजाफा फरमाते हैं। आपका ये मदरसा, आप जानते हैं कि 1984 में यहां फसाद हुआ था, उस वक्त ये पूरा इलाका शहर के बिल्कुल किनारे था, आगे बिल्कुल कोई आबादी नहीं थी। शर पसंदों ने बाहर से आकर के
एक तरफ से इस पूरी पट्टी को जला दिया था, आग लगा दी थी, लोग बेघर हो गए थे, अपना घर बनाने की किसी के अंदर ताकत नहीं रह गई थी। हुकूमत ने क्या दिया था, 1,000 रुपया दिया था, कुछ पतरे दिए थे और कुछ बामू दिए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ तंजीमों के दिलों में बात डाली, कुछ अफराद के दिलों में बात डाली और उन्होंने इन उजड़ी हुई बस्तियों को आबाद करने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी मदद की। आम पाड़े में कुछ लोगों ने, या आम पाड़े से पीछे जो इलाका है, यहां कुछ लोगों ने काम किया, वहां मकानात बनाए। खंडूपाड़ा, कासिमपुरा, यहां लोगों ने मकानात बनाकर लोगों को दिए। और आपका ये मोहल्ला, ये अंसार मोहल्ला, इसको जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने बनाया। 166 मकानात जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने बनाए। और उस वक्त हुआ यह था कि हमारे शहर की कई तंजीमों ने बैठकर आपस में यह फैसला किया था, उसमें जमीयत अहले हदीस थी, जमात इस्लामी थी, जमीयत उलमा के लोग थे। उन लोगों ने यह कहा था कि जमीयत उलमा भिवंडी में चंदा नहीं करेगी, यहां लोगों से ताउन जमात इस्लामी और जमीयत अहले हदीस के लोग मांगेंगे। और इस मुआहदे के तहत जमीयत उलमा ने भिवंडी से कोई चंदा नहीं किया, बंबई और दूसरी जगहों से चंदा करके 166 मकानात ये अंसार मोहल्ले में बनाए और लोगों के हवाले किए और जमीयत कॉलोनी का एक नाम भी दिया, एक मदरसा भी छोटा सा बना के दिया। लेकिन अल्लाह ने उस मदरसे को तरक्की दी, वो मदरसा बढ़ते बढ़ते आज आप उस मदरसे को इस हालत में देख रहे हैं। इस मदरसे का फैज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आप लोग बाहर नहीं जाते, हम लोग सफर करते हैं, जहां जाते हैं अक्सरों बेशतर इलाकों में इस मदरसे के पढ़े हुए उलमा मिलते हैं, हुफाज मिलते हैं, जो किसी मकतब में पढ़ा रहे हैं, किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं और सिराजुल उलूम जाना जाता है। आप बिहार में जाइए, सिराजुल उलूम जाना जाता है, आप बंगाल जाइए, सिराजुल उलूम जाना जाता है, आप यूपी में चले जाइए, सिराजुल उलूम जाना जाता है, आप दारुल उलूम देवबंद में जाइए, वहां के असातिज़ा से पूछिए, सिराजुल उलूम जाना जाता है। और सिराजुल उलूम का जब नाम आता है तो जानते हो उसके साथ क्या आता है, सिराजुल उलूम अंसार मोहल्ला भिवंडी। इस सिराजुल उलूम के साथ इस मोहल्ले का नाम कहां कहां गया, मुझे बताओ, इस मोहल्ले में अगर सिराजुल उलूम ना होता तो कौन सी ऐसी खास बात थी जो इस मोहल्ले का नाम पूरे मुल्क में जाता। सिराजुल उलूम मदरसा है और जिस बस्ती में कोई मदरसा होता है वो बस्ती उस मदरसे की बरकात से मुस्तफीद होती है। क्या कोई इनकार कर सकता है
सिराजुल उलूम में पढ़ने वाले बच्चे क्या सिर्फ बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, बंगाल से आते हैं? क्या आसपास के जो मोहल्ले हैं उन मोहल्लों के बच्चे सिराजुल उलूम में नहीं पढ़ते? हमारा ये मोहल्ला अंसार मोहल्ला और ये पथरे की चाल, 250 से ज्यादा बच्चे यहां प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और मां बाप को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र न होने का मतलब ये कि उनको स्कूल भेजने के लिए ना किराए पर रिक्शा करने की जरूरत है और ना ये फिक्र करने की जरूरत है कि बच्चा या बच्ची जब स्कूल से छूटेगा तो वो कैसे पहुंचेगा। घर में स्कूल है, घर में मदरसा है, बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल में पहुंचते हैं, स्कूल से निकलते हैं घर में पहुंच जाते हैं, क्या ये फायदा नहीं मिल रहा है? और एक बात और मैं कहता हूं, शायद आप ना माने, अंसार मोहल्ले में जो मकानात हैं उनकी इस वक्त जो कीमत है, मुझे आप बताइए कि किस मोहल्ले में मकानात की उतनी कीमत है? आदमी क्यों खरीदता है मकानात इतनी कीमत पर कि करीब में स्कूल है, हमारे बच्चे को कहीं जाना नहीं है, वही पढ़ना है? ये सब बरकत होती है मदरसे की और स्कूल की, जहां किसी बस्ती में वो कायम होता है। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदरसों को और इन मकातिब को अल्लाह की नेमत समझना चाहिए और इसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। जहां जहां नाकदरी की गई है वहां वहां की तारीख पढ़ लीजिए कि क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हालात पेश आए। इसलिए आप जहां भी रहते हैं, जिस भी बस्ती में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, अगर वहां कोई मकतब है, कोई मदरसा है, तो खुदा के लिए उस मदरसे को अल्लाह की नेमत समझिए कि आपके उस मोहल्ले और उस बस्ती में वो मदरसा कायम है। और आखिरी दर्जे में ये गुजारिश है आपसे कि उस मदरसे को अगर आप कोई नफा नहीं पहुंचा सकते तो खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। ये इल्हामी निजाम है जो कायम हुआ है इस मुल्क में, और इस इल्हामी निजाम को खत्म करने की कोशिश करना अपने आप को बड़े खतरे में डालने वाली बात है। इसलिए बहुत सोच समझकर इन मदारिस के सिलसिले में कोई काम कीजिए। आपका यह मदरसा सिराजुल उलूम, मैंने गुज़िश्ता जुमा को भी ऐलान किया था कि इसका सालाना जलसा होने जा रहा है जुमेरात को। अब इसके बाद कोई जुमा नहीं मिलेगा ऐलान के लिए। जुमेरात को सालाना जलसा होने जा रहा है जिसमें बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, और 14 तारीख को, ये तो 16 तारीख जुमेरात है और 14 तारीख मंगल का दिन है, जो बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं इस मस्जिद में खत्मे कुरान की मजलिस रखी गई है जिसमें हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाएंगे और बच्चों को कुरान शरीफ ख़त्म कराएंगे। छोटी सी मजलिस है, घंटे डेढ़ घंटे की,
जो मंगल के दिन है, अगर उसमें नहीं आ सकते हैं तो कम से कम ये फैसला तो कर ही लीजिए कि इंशाअल्लाह सालाना जलसे में आपकी शिरकत होगी और दूसरों तक भी आप ये बात पहुंचाएंगे कि सिराजुल उलूम का जलसा 16 तारीख को है, जुमेरात के दिन है और उसमें शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। आज ये देखिए रमज़ानुल मुबारक करीब आ गया और अब बस आना ही चाहता है। आम तौर से तकरीर के बाद दुआ का मामूल नहीं है, कभी कभी तकरीर के बाद भी दुआ कर ली जाती है, असल दुआ तो नमाज के बाद होती है। और हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह जामे दुआ फरमाते हैं तमाम बीमारों के लिए, मरीजों के लिए और हाजतमंदों के लिए, ज़रूरतों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में बात आ रही है कि थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ इस वक्त हम लोग कर लें। लाइए भाई, कैसी पर्ची है? ये सगीर अहमद की लड़की की तबीयत ख़राब है, आईसीयू में है, दुआ की दरख्वास्त। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم خطاوار ہیں اے اللہ مجرم ہیں پاپی ہیں اے اللہ دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہوئے ہیں اے اللہ ہم اپنے کیے ہوئے پر نادم ہیں پشیمان ہیں شرمندہ ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب تیرے در کے بھکھاری ہیں اے اللہ سوالی ہیں اے اللہ منگتا ہیں اے اللہ فقیر ہیں اے اللہ حاجت مند ہیں اے اللہ ہم سب تیرے مسکین بندے ہیں اے اللہ ہم بہت گندے ہیں پر تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ ہم بہت گندے ہیں
पर तेरे ही बंदे हैं। ए अल्लाह, तेरे इस घर में आज मुबारक दिन में ए अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, झोली फैलाए हुए हैं। ए अल्लाह, गुनाहों की बख्शिश की भीख मांग रहे हैं। ए अल्लाह, हमें ये भीख अता फरमा दीजिए, हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, करम फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अपनी मर्दियात पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है। ए अल्लाह, इस मुबारक महीने के कद्र की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अपनी रज़ा के साथ इसको गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इस मुबारक महीनों में गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, अपनी तमाम नामर्ज़ियात से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस मुल्क में और पूरी दुनिया में इस वक्त जो उम्मत का हाल है, ए अल्लाह, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ए अल्लाह, पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा की दुश्मन हुई जा रही है। ए अल्लाह, इसको मिटाने की तदबीरें हो रही हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ये मदारिस अरबिया, ए अल्लाह, ये मकातिब दीनिया, इस मुल्क में तेरे बंदों का कायम किया हुआ एक निज़ाम है। ए अल्लाह, इस निज़ाम को हर किस्म के शर से महफूज फरमा दीजिए, हर किस्म के शर से महफूज फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तुझसे ही फरियाद कर सकते हैं। ए अल्लाह, तुझसे ही, तुझको ही पुकार सकते हैं। ए अल्लाह, पूरे मुल्क में मदारिस के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, ए अल्लाह, जो फितने बरपा किए जा रहे हैं, ए अल्लाह, जो तदबीरें की जा रही हैं, ए अल्लाह, लोग अपने ज़ाती मकासिद के लिए मदारिस को निशाना बना रहे हैं, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू इन मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, मराकिस की हिफाजत फरमा, हर किस्म के शुरूर से इनकी हिफाजत फरमा, हर तरह के फितनों से इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ए अल्लाह, हम तुझको उनके मुकाबले में करते हैं जो तेरे इन मदारिस को और इन मकातिब को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। ए अल्लाह, आप बड़े हैं, आप कुदरत वाले हैं। ए अल्लाह, आप ही इसका फ़ैसला फरमाएंगे। ए अल्लाह, हम में जो लोग बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला, आजिला, दायमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। जो मकरूद हैं, उनके कर्ज़ों की गैब से सामान पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जो अभी पर्ची आई और दुआए सेहत की दरख्वास्त की गई, ए अल्लाह, ए अल्लाह, सेहत अता फरमा दीजिए, सेहत कामिला, आजिला, दायमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। और ए अल्लाह, इस वक्त हमारे इस मदरसे के सदर हाफिज अमानुल्लाह साहब अलील चल रहे हैं, ए अल्लाह, उनको सेहत कामिला, आजला, दायमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उनको सेहत कामिला, आजला, दायमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इस मजमे में हमारे वो भाई हैं जो कह नहीं सके, उनके दिल में इस वक्त ये बात आ रही होगी कि अगर हमें भी मौका मिलता तो हम दुआ के लिए कहते। ए अल्लाह, उनके दिलों के हाल को आप अच्छी तरह जानते हैं। ए अल्लाह, उनके दिलों की तमाम जायज़ ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया ए अल्लाह वो भी अता फरमा दीजिए। हम सब को इस्लाम के साथ ज़िंदा रखिए और ख़ात्मा ईमान पर फरमाइए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन, आमीन। Yeah.